ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि लड़की एक दिन भी अपने ससुराल में नहीं रही तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में अपने रिलीफ ले सकती है या नहीं। आपने काफी बार देखा होगा, बहुत बार क्या होता है ना कि लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं घर वालों से छुपा के, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर लड़की सोचती है कि मेरे को उसके घर में एंट्री चाहिए, तो क्वेश्चन राइज होता है कि अब मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको पता है रिलीफ होते हैं, जैसे राइट टू रेजिडेंस हो गया और बहुत सारे रिलीफ होते हैं, तो क्या वो कर सकती है या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी नहीं। अब सुनो क्यों नहीं, क्योंकि यार देखो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना उसके लिए ना आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। कहने का मतलब शेयर होल्ड हाउस में या तो आप रहो कुछ टाइम के लिए, जरूरी नहीं है उसके ससुराल में रहो, या तो आप कहीं पहले रहे हो, जैसे मान लो लड़की ने शादी करी लड़के ने शादी करी, अब वो कहीं मिलके किराए पे रह रहे हैं कहीं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम में, वो रहना जरूरी है, यानी कि एक छत के नीचे रहना जरूरी है। ये नहीं है कि लड़का आया लड़की आई शादी कर ली लेकिन अब वो रह नहीं रहे, अलग अलग रह रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में तो रिलीफ नहीं ले सकती, लेकिन वो सेक्शन 9 कर सकती है। लड़की के लिए बता रहा हूँ, लड़की सेक्शन 9 कर सकती है कोर्ट जाके। सेक्शन 9 और राइट टू रेजिडेंस में फर्क होता है। सेक्शन 9 होता है कोहैबिटेशन करना, यानी पति पत्नी को वापस लाना, लेकिन जो सेक्स जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें क्या है, घर में राइट्स मिलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वाले राइट्स मिलते हैं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक घरेलू घर के नीचे एक छत के नीचे, समझ रहे हो। सो इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या कर सकती है लड़की, तो लड़की क्या कर सकती है, सेक्शन 9 मूव कर सकती है और 125 CRPC मूव कर सकती है। देखो है तो वो लीगल वाइफ उसकी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो उसके घर के नीचे होना चाहिए ना, छत के नीचे होने चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन अब इसमें क्या है, सेक्शन 9 मूव कर सकती है वो कोहैबिटेशन करवाने के लिए, यानी हस्बैंड अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा, दूर रह रहा है, तो वाइफ सेक्शन 9 डाल सकती है ताकि वो उसको कोहैबिट कर सके। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। बाय।